अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर आप सबक आमोज वीडियोस और सुनहरे अखबार सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। लोग आपकी तारीफ इस वजह से करते हैं कि अल्लाह सुभान ताला ने आपके गुनाहों को छुपा रखा है। आप पर एहसान उन लोगों का नहीं है जो आपकी तारीफ करते हैं, बल्कि उस रब्बुल आलमीन का है जो आपके बद आमाल का पर्दाफाश नहीं करता है। ज़िंदगी में कभी बुरे वक्त से सामना हो जाए तो खामोश रहो, वरना दुनिया तमाशा बना देती है। ईमान और हया दो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से एक चली जाए तो दूसरी खुद बहुत खत्म हो जाती है। मोहब्बत में हार जाने पर लोग नसीब की बात करते हैं, कभी खुदा से मोहब्बत की होती तो ये शिकायत ना होती। यहाँ सबको सब जानते हैं, यहाँ खुद को कोई नहीं जानता। कोई भी आदमी दूसरे को नुकसान दे सकता है, लेकिन हर आदमी दूसरे का भला नहीं कर सकता। मैंने जो किया उस पर पछतावा नहीं, पछतावा उस पर है जो मौका मिलने के बावजूद मैंने नहीं किया। जब आप अल्लाह की खातिर अपने आप को बुराई से दूर रखते हैं तो वो आपको दूसरों के हाथों रुस्वा नहीं होने देता। दुख की सख्तियाँ चेहरों से तो रुखसत हो जाती हैं, लेकिन इंसान के अंदर दाखिल होकर उसके गोशे गोशे को वीरान कर जाती हैं। जो शख्स अल्लाह ताला का वफादार ना होगा वो इंसानों का वफादार कभी नहीं हो सकता। किसी ने पूछा कि हसद क्या है, फरमाया कि रब की तकसीम से इख्तलाफ करना। कदर करनी है तो ज़िंदगी में करो, चेहरे से कफन उठाते वक्त तो नफ़रत करने वाले भी रो पड़ते हैं। औलाद के लिए बेहतर दुनिया छोड़ कर जाने से बेहतर है कि दुनिया के लिए बेहतर औलाद छोड़ कर जाए, और ये उनकी बेहतरीन इस्लामी तरबियत के बगैर मुमकिन नहीं। इस्लाह के 100 अल्फाज से ज़्यादा इंसान को तजर्बे की एक ठोकर मजबूत बनाती है। कुछ बातें समझ आने पर नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने से समझ आती है। सिर्फ रब की ज़ात ऐसी है जो माफ़ी मांगने पर ये नहीं पूछता कि गलती क्यों की थी। लोग क्या सोचेंगे, अगर वो भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। कहते हैं जब तुम किसी के लिए कुछ महसूस करो तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि उस दूसरे को उस एहसास की खुशबू महसूस न हो, क्योंकि रूहें रूहों की ज़बान समझने में कभी धोखा नहीं खाती। और अच्छा वक्त बादलों की तरह है जो सूरज की तपश तक को रोक लेता है। अगर आप उस शख्स की तलाश में हैं जो आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर दे तो एक नज़र शीशे की तरफ ज़रूर देख लेना। कभी कभी अच्छे लोगों से भी गलत फैसले हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं, इसका मतलब ये है कि वो भी इंसान हैं। अल्लाह जब नाराज़ होता है तो ये सज़ा ज़रूर देता है कि इंसान के दिल से राय हक का लुत्फ उठा लेता है और उस इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है और वह दीन से निकलकर दुनियादारी में मशगूल हो जाता है। दुनिया की सारी चीज़ें ठोकर लगने से टूट जाती हैं, मगर एक इंसान ही है जो ठोकर लगने के बाद बनता है। बात मेहनत की होती है, वरना किस्मत सबकी अच्छी होती है। चोट लगना बहुत ज़रूरी है, जहम से बड़ा कोई उस्ताद नहीं होता।
तुम नहीं जानते जिन लम्हात में तुम सबर कर रहे होते हो, अल्लाह तुम्हारे लिए किस किस रास्ते से मदद तैयार कर रहा होता है। अगर आपको ये कॉल पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।